हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर वॉर मेमोरियल के शिलान्यास से भूतपूर्व सैनिकों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी उत्साह के साथ में कर्नल देवानंद गुजर ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मौत के बाद उस सैनिक के परिवार को एनओके की कोई देखभाल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके लिए भी राज्य सरकार जैसे सामान्य कर्मचारी आप उनके लिए जो भी देखभाल करते हैं, एनओके को नौकरी का प्रावधान कर दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे, ऐसी मांग है सर। अब इसमें आप बढ़िया से ड्राफ्टिंग बना करके बिल्कुल सर, और अपन हम सीएम साहब को लिख देंगे भाई कितना क्या हो सकता है, विधानसभा में उसमें कह देंगे। और मैं समझता हूँ कि सरकार सैनिकों के प्रति हमारी पूर्ण समर्पित है, और यदि बात लीगली होगी कानून होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट बना भी नहीं करेगी, क्यों सब जानते हैं इनका महत्व को। दूसरा एक आपने बोला था कि ये जो रिटायरमेंट के बाद में सैलरी वाला मैटर, इसके लिए भी आपने दो पॉइंट विशेष कर बताए, तो कृपा करके हमारे पास राज्य को दे देना आप तो। और मुझे विश्वास है, और जब हम कोई कोई काम हाथ में लेते हैं तो जरूर प्रगति होती है, उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। आप सब लोग यहाँ हमको क्या लवान हमारे वो है मरदाना है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सम्मान्य सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग, क्योंकि विकास के मामले में सब लोग एक हैं, सब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जिला नंबर वन बने, हर मामले में नंबर वन बने। अच्छे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, सारे ऑफिसर भी हमारे सब अच्छे हैं, यंग हैं, ऊर्जावान हैं। देखो ये भी स्वभाग की बात होती है, कई बार क्या है कि जैसे कोई 60 प्लस हो जाता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जैसे मैं 60 प्लस हो गया तो मैं एसपी साहब का मुकाबला थोड़ी कर सकता हूँ, इसलिए क्या है अच्छे अवसर है सर, और सब मिलकर काम करेंगे, निश्चित हमारा जिला प्रगति की ओर बढ़ेगा। और कर्नल साहब से आज मुलाकात हुई, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बात राजी हमको मिलते रहेंगे, पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। दौसा जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में वॉर मेमोरियल के शिलान्यास का कार्यक्रम भारतीय विधि विधान परंपराओं की पालना करते हुए संपन्न किया गया है। राजस्थान के दौसा जिले में वॉर मेमोरियल के अभाव में जिले के सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम के स्थान में दिक्कतों का सामना देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से सैनिक न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर के नेतृत्व में कर्नल JS बुंदेला, कमांडो मुकेश गुर्जर, विजेंद्र सिंह बांसवाड़ा व कैप्टन गोपाल राम के प्रयासों के फलस्वरूप लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए आज वॉर मेमोरियल शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता दौसा पंचायत समिति चेयरपर्सन ममता चौधरी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दौसा के MLA व पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल देवानंद गुर्जर व दौसा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनिल बेनीवाल भी वहाँ पे मौजूद रहे थे। कार्यक्रम के अंदर प्रदेश भर से तकरीबन 500 से ज्यादा पूर्व सैनिक व नागरिकों ने हिस्सा भी लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ में मुरारी लाल मीणा विधायक तो वहीं ममता चौधरी दौसा के नागरिकों द्वारा पूजा अर्चना करके की गई है। इसके बाद में शिला पट्टिका का शिलान्यास कार्यक्रम में जयपुर से पधारे कर्नल देवानंद गुर्जर के द्वारा किया गया, और कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि व पूर्व सैनिकों का साफा पहना करके माल्यार्पण से किया गया है। शिलान्यास के साथ ही भारत माता की जय व सैनिक अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा है। कार्यक्रमों में अपने विचार रखते हुए कर्नल गुर्जर ने दौसा में वॉर मेमोरियल के लिए सैनिकों के सम्मान में वॉर मेमोरियल के शिलान्यास के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार मौजूद दौसा MLA मुरारी लाल मीणा व ममता चौधरी का आभार भी जताया है। कर्नल ने भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार का सैनिकों के सम्मान में किए गए कार्यों के लिए भी धन्यवाद जताते हुए 70 वर्षों के इंतजार के बावजूद भी करौली के लाल 1944 में विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित कैप्टन कमला राम गुर्जर के नाम से करौली महाविद्यालय व जयपुर की किसी मुख्य सड़क का मूर्ति स्थापना के साथ नामांकन व झुंझुनू जिले के बघेरा गाँव के 1947 भारत पाक युद्ध में पहले वीर चक्र प्राप्त करने वाले कैप्टन बसंता राम धवाई के नाम पर झुंझुनू में मार्ग का नामांकन व उचित स्थान पर मूर्ति लगाना नहीं हो पाया, जो देश व प्रदेश के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। दौसा जिला होने के बावजूद भी जिले के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी व ऑफिस की मांग राजस्थान एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड में
संविदा पर लगे पूर्व सैनिकों को मात्र 11,000 मानदेय दिया जा रहा है, जो कि गौरव सेनानी के आत्मसम्मान के साथ साथ भारत के न्यूनतम वेतन के विरुद्ध भी है, जिसको बढ़ा करके 22,500 जैसलमेर स्थित भूमिहीन सैनिकों को 1984 की एप्लीकेशन पर आवंटित की गई जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद भी आज तक करीब 500 पूर्व सैनिकों को खातेदारी नहीं दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।